नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक्स में। आज से सुपर टेट के लिए बैचेस प्रारंभ किए जा रहे हैं। सुपर टेट के लिए हमारे संस्थान का ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का, इस पर आपको एंट्री सुपर टेट लिखकर इस नंबर पर मैसेज करना है। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद हमारी टेक्निकल टीम, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है उसका, उसके बारे में सारी चीजें आपको अवगत कराई जाएंगी। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, यहां पर दो शब्द मिल रहे हैं दोस्तों। यदि हम देखते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन देखेंगे भारतीय संविधान का, कि भारत की संविधान की यात्रा प्रारंभ करने से पहले हम लोग ये देखें कि वास्तव में संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन, यहां दो वर्ड आपको मिल रहे हैं। एक तो हम देखते हैं यह संविधान मींस कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संगठित करना, समुच्चय बनाना। तो यदि एक लाइन में अगर संविधान को परिभाषित करना हो कि संविधान क्या है, तो संविधान सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है, सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय है जिस पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान क्या है? संविधान सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय है दोस्तों, जिस पर किसी देश की व्यवस्था, किसी देश की शासन को चलाया जाता है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूट शब्द से। कॉन्स्टिट्यूट शब्द से, कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है गठित करना, गठित करना। कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो हमारे संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, उन प्रोविजंस को, उन प्रावधानों को तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद, और भारत में जो संवैधानिक इतिहास है भारत का, जो संवैधानिक विकास हुआ था भारत का, तमाम अधिनियम उसमें आए थे। अभी हम लोग आगे देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास। तो संवैधानिक इतिहास को प्रारंभ करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि भारत के सिद्धांत में, भारत के संविधान में किन किन सिद्धांतों का समावेश किया गया है, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान के प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार के संविधान पाए जाते हैं पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो। संविधान के प्रकार, भारत के संविधान के निर्माताओं का संविधान निर्माण करने के पीछे जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो दर्शन किन किन प्रावधानों से किन किन जगहों पर दिखाई पड़ते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम यहां समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि संविधान की बात करते हैं दोस्तों हम, तो संविधान क्या है? संविधान आदर्शों एवं सिद्धांतों का ऐसा समुच्चय है, ऐसा समुच्चय है जिस पर किसी देश का शासन, किसी देश का शासन चलता है। यहां पर
हमारे सामने लिखा हुआ है कि संविधान आदर्शों एवं सिद्धांतों का समुच्चय होता है, जिस पर उस देश की शासन व्यवस्था, उस देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक प्रणाली जो है वह आधारित होता है संविधान। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखते हैं तो सपोज करिए ये हमारा संविधान है, एक ग्रैंड नॉर्म है, ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है, मींस ये क्या है, सिद्धांतों और आदर्शों का समुच्चय है यह, और इसके अंदर जो भी चीजें बनाई जाएंगी देश में, जो भी कानून होगी, जो भी प्रशासनिक प्रणाली होगी, वह सब कुछ इसके अंदर ही होगा, मींस संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर ही सारी चीजें, सारी प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, प्रशासनिक गतिविधियों को चलाया जाता है, ठीक। ये ग्रैंड नॉर्म है, यदि इसके बाहर जाके हमारे देश का जो है कोई भी कानून देश के द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा बनाया जाता है, तो वह कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, इसका निर्धारण कहां होता है दोस्तों, इसका निर्धारण देश की संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, हमारी पार्लियामेंट यह निर्धारित करती है कि देश कैसे चलेगी। कैसे पार्लियामेंट निर्धारित करती है, पार्लियामेंट निर्धारित करती है दोस्तों बाय मेकिंग लॉज, मींस कानूनों का निर्माण करने के द्वारा, कानून का निर्माण किया जाता है और उस कानून के द्वारा ही देश को संचालित किया जाता है। कानून का निर्माण कौन करता है, कानून का निर्माण देश की संसद करती है, और देश की संसद कानून के द्वारा इस देश को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। यदि संसद, लेकिन यहां पर एक चीज यहां दृष्टिगोचरता में है, समझनी आवश्यकता है दोस्तों, समझने की जरूरत है, क्या है कि संसद ही नहीं अपितु क्या है, न्यायपालिका भी इस बात का निर्धारण करती है, न्यायपालिका भी इस बात का निर्धारण करती है कि देश कैसे चलेगा, मींस देश की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, देश की जो गतिविधियां हैं प्रशासनिक, उन गतिविधियों में दखलंदाजी देती है, इसे एक शब्द के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो कहलाता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता मींस भारत की संविधान में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत पाया जाता है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भारत के संविधान में पाया जाता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है वह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह जो है सिद्धांत दिया गया सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का यह अर्थ होता है कि, मैं आपको बता रहा हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ होता है दोस्तों कि सरकार के जितने भी अंग हैं, भारत में सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर को समझते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के तीन अंग होते हैं। विधायिका का काम क्या होता है, लॉ बनाना, कानूनों का निर्माण करना, ये काम किसका होता है, कानूनों का निर्माण करना, ये काम होता है विधायिका का। कार्यपालिका क्या करती है, इस कानून को लागू करवाती है, इंप्लीमेंट करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, ये जो संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है, इस कानून का निर्वचन करती है, व्याख्या करती है, निर्वचन या व्याख्या, व्याख्या क्यों करती है, मैंने बताया कि ये हमारा ग्रैंड नॉर्म है, ये हमारा संविधान है, और क्या इस बात की संवैधानिकता की जांच करना कि क्या जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है वह संविधान सम्मत है या नहीं है, इस बात की जांच करने का अंतिम अधिकार किसको दिया गया है दोस्तों, हमारी न्यायपालिका को दिया गया है।
इसलिए यहां पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, शक्ति के पृथक्करण की बात हो रही है दोस्तों। तो शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, उस सिद्धांत को पूर्ण रूप में, मूर्त रूप में भारत की संविधान में लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है। और यह कहा गया है कि यह सरकार के तीनों अंग अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अलग रहेंगे, ना तो कार्यपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप करेगी, ना न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। मीन्स ये तीनों क्या है, अपनी अपनी जगह पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। ये कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर। मीन्स यहां पर क्या है, न्यायपालिका भी नहीं दखलंदाजी देगी, ना कार्यपालिका के कार्य में और ना विधायिका कार्यपालिका न्याय, मीन्स तीनों किसी एक दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं देंगे। यही कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर। हम देख रहे थे यहां पर कि न्यायपालिका इस बात का निर्धारण करती है कि देश कैसे चलेगा, जिसे क्या कहते हैं हम, न्यायिक सक्रियता के नाम से जाने जाता है। ये क्या कहलाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म कहता है, कहलाता है दोस्तों कि जब कोई भी अथॉरिटी अपनी अधिकारिता के बाहर जाके, अपनी सीमा क्षेत्र के बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उसे ही हम सक्रियता कहते हैं। जैसे न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका यदि कार्यपालिका को कोई डायरेक्शन देती है या विधायिका को कोई डायरेक्शन देती है तो ये क्या कहलाता है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन कहलाता है, क्षेत्राधिकार को का बढ़ावा कहता है, अपनी सीमा का उल्लंघन करना कहलाता है। लेकिन न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यायपालिका क्या है, अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भी कार्य करती है और कार्य कर सकती है। ऐसा बहुत सारे मामलों में आपको देखने को मिलता है, जैसे आप बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मजदूरी के संबंध में देखते हैं, या जो कैदी होते हैं, सजायाफ्ता मुलजिम होते हैं, उन सजायाफ्ता मुलजिम को पहले क्या था, पहले ऐसा कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। जो सजायाफ्ता कैदी होते थे, जिन्हें सजा दे दी जाती थी न्यायालय द्वारा, यदि उनसे कार्य लिया जाता था न्यायालय जेल में, तो जेल प्रशासन द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। तो दीना बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित कर दिया कि ऐसे कैदियों से यदि बिना किसी पैसे के दिए, आप किसी पारिश्रमिक को दिए, आप कोई कार्य कराते हैं तो यह क्या है, संविधान के अनुच्छेद 23 जो यह कहता है कि शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देता है, उस मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन होता है। उसके बाद से अब जो भी जेल प्रशासन के अंतर्गत जितने भी सजायाफ्ता कैदी होते हैं, जिनसे कार्य लिया जाता है, यदि वो सजायाफ्ता कैदी क्या है, कार्य करते हैं, तो उस कार्य के बदले में उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। ये सारे एक्ट क्या है, न्यायिक सक्रियता के परिणाम है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, अपने क्षेत्राधिकार को लांघकर, अपने क्षेत्राधिकार, अपनी सीमाओं के बाहर जाकर कोई कार्य करना। तो न्यायपालिका यहां पर यह निर्धारित करती है कि देश कैसे चलेगा, कैसे निर्धारित करती है, ये एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अनुच्छेद 21 आपने देखा, अनुच्छेद 21 में क्या दिया है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। यहां पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, अनुच्छेद 21 देता है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, स्वतंत्रता। तो यहां प्राण मीन्स लाइफ, लाइफ की बात कर रहा है, जीवन की बात कर रहा है। शासन तो अंग्रेज भी करते थे हमारे ऊपर, शासन तो अंग्रेज भी करते थे, पर क्या वहां पर आपको मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका था, या आपने जीवन जीने का एहसास किया? नहीं, वो हमें पशुवत, पशुओं के समान आपके साथ व्यवहार करते थे, जानवरों के जैसा सुलूक करते थे। तो यहां पर ये न्यायपालिका ने कहा कि जीवन, लाइफ यानी प्राण का अर्थ यह नहीं है कि पशुवत जीवन, प्राण का अर्थ, जीवन का अर्थ है मानवीय गरिमा के साथ जीवन को जीना। मानवीय गरिमा जो एक इंसान के लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, जरूरी होती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों, मानवीय गरिमा। जैसे स्वस्थ वायु, आपको एक हेल्दी एटमॉस्फियर चाहिए जीवन जीने के लिए, स्वच्छ पानी, राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार। अभी हाल ही में 2018 के का एक केस था, के एस पुट्टा स्वामी, श्री के एस पुट्टा स्वामी रिटायर्ड जस्टिस थे, के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला था,
उसमें उन्होंने फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी होती है, यानी एकांतता का जो अधिकार होता है, वह अनुच्छेद 21 के तहत आपका क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो यहां पर प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार आपको कैसे मिला, वो न्यायपालिका के द्वारा दिया गया कि एकांतता का अधिकार भी अब हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भले भी स्पष्ट रूप से यहां पर ना लिखा गया हो दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, पर जब दैहिक स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया, तब दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इस शब्दावली को इंटरप्रेट किया गया। क्या है केस पुट्टा स्वामी का मामला, एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ था। आधार में आपके डेटा लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आंखों की जो है उसमें रेटिना की कॉपी की जाती है, तमाम चीजें आपसे ली जाती हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि जो आप नागरिकों के डेटा को ले रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा पुख्ता तंत्र है, ऐसा मजबूत सिस्टम है जिसके द्वारा आप यह दावे के साथ कह सकते हैं कि नागरिकों के सारे डेटा सुरक्षित हैं। तो माननीय केंद्र सरकार ने इस बात पर हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि अभी हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए हैं जिससे हम ये दावे के साथ कह सकें कि राइट टू प्राइवेसी मीन जो हम ये नागरिकों के डेटा ले रहे हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो केस पुट्टा स्वामी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फाइनली यह डिसाइड कर दिया है कि जीवन का, जीवन के अधिकार में या दैहिक स्वतंत्रता में आपका एकांतता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। एकांतता का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो यहां पर आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों कि कैसे संसद तो करती ही है देश को चलाने का काम, संसद तो करती है देश को चलाने का काम, पर न्यायपालिका किस तरीके से यहां पर दखलंदाजी देते हुए देश की शासन व्यवस्था को चलाने में कार्य कर रही है, देश की शासन व्यवस्था को चलाने में अहम रोल अदा कर रही है। आप यहां पर अनुच्छेद 21 के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चल आगे आते हैं, हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि संविधान कुल कितने प्रकार के होते हैं। संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान के यदि प्रकारों पर चर्चा करते हैं, संविधान के प्रकार, संविधान के कुल प्रकार कितने होते हैं। पहला यदि हम देखते हैं तो लिखित संविधान, पहला है दोस्तों लिखित संविधान। यदि लिखित संविधान का उदाहरण देखें तो यूएसए विश्व का ये पहला देश है जिसका अपना लिखा हुआ संविधान है। पहला देश है अमेरिका संयुक्त राज्य जिसका संविधान लिखित रूप में है। और दूसरा यदि एग्जांपल देखते हैं तो भारत, भारत का संविधान भी लिखित है। लिखित मींस कोडिफाइड, संहिताबद्ध, नंबरिंग सिस्टम वाइज सारी चीजें एक सीक्वेंस में लिखी गई हैं कि ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके संबंध में प्रावधान यहां पर दिए गए, ये तमाम चीजें ये क्या है, लिखित रूप में। दूसरा अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। यदि अलिखित संविधान की बात करें दोस्तों तो अलिखित संविधान के बारे में सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा ब्रिटेन का। ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं है, परंपराओं पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है। पहले ऐसे हो रहा था, आज हो रहा है और आगे भी ऐसा होता जाएगा। परंपराओं पर आधारित संविधान है, परंपराओं पर चल रहा है। वहां पर कोई भी चीज संहिताबद्ध नहीं है, लिखी नहीं गई है, वहां पर लोगों के अंदर संविधानवाद भरा हुआ है। संविधानवाद का अर्थ है कि संविधान के प्रति उनकी अपनी निष्ठा है। वहां के प्रजा ने जो वहां के शासक से मांगा, वहां के राजा से मांगा, वहां की महारानी से मांगा, वहां के शासकों ने, वहां के राजाओं ने, वहां के जो भी किंग थे उन्हें सारी चीजें दी। वहां पर क्या है, अलिखित संविधान है। कोई भी चीज संहिताबद्ध तरीके से या सीक्वेंस में दोस्तों लिखी नहीं गई है, संहिताबद्ध नहीं है, असंहिताबद्ध है। यदि अगला देखते हैं हम, निर्मित संविधान। तीसरा संविधान का यदि प्रकार देखते हैं तो प्रकार में आ जाता है आपका निर्मित संविधान, निर्मित
संविधान निर्मित मीन्स निर्माण किया गया हो, भारत का संविधान। भारत का संविधान कैसे हुआ था? भारत का संविधान भारत की संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया था, उसको बनाया गया था। एक संविधान सभा का गठन हुआ था आजादी के बाद, सन 1947 के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस संविधान सभा ने कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान पर को अंगीकृत कर लिया और 26 जनवरी सन 1950 से भारत के संविधान को पूरी तरीके से देश में लागू कर दिया गया। क्लियर है यहां पर? निर्मित संविधान। चौथे संविधान की यदि हम बात करते हैं कि हमारा अगला चौथा संविधान किस तरीके का होता है, वह होता है विकसित संविधान। विकसित संविधान। और यदि यहां विकसित संविधान की आप बात करें तो विकसित संविधान में भी आपको एग्जांपल मिलेगा ब्रिटेन का। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड हो चुका है, कोई चीज अब वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, सदियों से लिखा नहीं गया है कुछ भी, परंपराओं पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है, चलता चला आ रहा है, राजा जी ये करते थे और प्रजा उनको सुन रही है, लिखित रूप में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसानी से चला आ रहा है, ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित है, उसे कहते हैं हम विकसित संविधान, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है हमारा कठोर संविधान। कठोर संविधान, कठोर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऐसा संविधान जिनमें आसानी से कुछ भी चीजें संशोधित ना की जा चुके ना की जा सके, ना आसानी से कोई किसी भी चीज को उसमें समाहित किया जा सके, किसी भी चीज को ना तो आसानी से उसमें समाहित किया जा सके, संशोधित किया जा सके, वही कहलाता है कठोर संविधान का प्रारूप। एग्जाम्पल अमेरिका। अमेरिका को आजाद हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक यदि देखिए तो 17 संशोधन मात्र भारत अमेरिका के संविधान में किए गए। कारण कि संविधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है अमेरिका में वह बहुत ही जटिल है, इसलिए उनकी संबंध में, उनकी चीजों के संबंध में, उन प्रावधानों के संबंध में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है अमेरिकन संविधान। अगला होता है लचीला संविधान। बिल्कुल आंसर आपके मन में आ गया होगा, भारत का संविधान। भारत, भारत का संविधान लचीला संविधान है। क्यों? जब मन आए तब संशोधन कर दीजिए, बोले आज ये नहीं है, आज इसको चाहिए, बोले संशोधन कर दो। 71वां गणतंत्र दिवस अभी हमने मनाया है 26 जनवरी को, और 125 से ऊपर, 125 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, जिनमें करीब 104 संशोधन लागू हो चुके हैं। 103 तो लागू हो चुका है, 104 भी लागू होने की कगार पर है, बाकी की पेंडिंग अभी पड़े हुए बिल 150 125 से ज्यादा संशोधन के बिल हो चुके हैं, जो अभी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी कारण से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित हैं। यहां पर क्या लचीला संविधान है, 71 सालों में आपने क्या किया, 125 से ऊपर संविधान कर दिए, जब भी जो जरूरत पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करना है, बोले संशोधन कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एससी एसटी एक्ट में जब तक जांच नहीं कर ली जाएगी, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, उन्होंने बोला इस प्रभाव को खत्म कर दो, बोले 18A जोड़ दिया एससी एसटी एक्ट में, नई धारा जोड़ दिया, एक छोटा सा अमेंडमेंट ले आया, ऑर्डिनेंस ले आया राष्ट्रपति महोदय, उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा राज्यसभा से पास करके और फटाफट उन्होंने धारा 18A जोड़ दी, कह दिए कि देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द इनिशियल प्रोसीडिंग्स, इनिशियल इंक्वायरीज, मींस आपको पहले गिरफ्तार होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, आसान है संशोधन करना। तो ये हमारा भारत का संविधान कैसा है, लचीला संविधान है। अब आते हैं हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में किन किन चीजों का वर्णन है, किन किन बातों का वर्णन किया गया है। जैसे यदि बात करते हैं तो भारत के संविधान में, भारत के संविधान में कुल 3 बातों का वर्णन मिलता है दोस्तों, कुल 3 बातों का वर्णन है, वर्णन है।
देखते हैं कौन कौन सी तीन बातें हैं। पहला तो दर्शन मिलता है। दर्शन मीन्स क्या, हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे देश की संविधान को बना रहे थे उस समय, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था उस चीज को परिलक्षित करता है। कौन सा प्रावधान है, कौन सा ऐसा भाग है संविधान का जो संविधान निर्माताओं के मन को या संविधान निर्माताओं के दर्शन को दर्शाता है। आइए देखते हैं। पहला जो हमारा हिस्सा है वह है भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे कि उद्देशिका किसे कहते हैं, इसे उद्देशिका क्यों कहते हैं या प्रस्तावना क्यों कहते हैं, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग मींस भारत के लोगों को ही यह संविधान क्या है, भारत में सर्वोपरि कौन है, संप्रभु कौन है, भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, ताकतवर कौन है, तो भारत की जनता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मींस यहां पर शब्दों पर आप जाइए, शब्द क्या क्या आ रहे हैं, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है कि हम अपने में शक्तिशाली होंगे, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, हम अपने लिए अपनी सरकार का गठन करेंगे, हम अपने लिए अपनी चीजों को विनियमित करेंगे, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल किसी का नहीं होगा। स्पष्ट है यहां पर, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सर्वधर्म समभाव की नीति पर भारत का संविधान आधारित है। दोस्तों किस पर आधारित है, सर्वधर्म समभाव पर। हमारे लिए होली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी ईद होगी या गुरु नानक जी की जयंती होगी या 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। स्पष्ट है, सर्वधर्म संभाव। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को ना बढ़ावा देगा ना घटाने का प्रयास करेगा, किसी भी तरीके से राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हर धर्म को हम मान्यता देंगे, हर धर्म को हम एक जैसे देखेंगे। समाजवाद, समाजवाद मीन्स सभी व्यक्ति बराबर होंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप पढ़ेंगे, वहां कहा गया है कि धन के असमान वितरण को रोकने का प्रयास करेगी सरकार, धन के असमान वितरण को रोकने का प्रयास करेगी सरकार। असमान वितरण को रोकने का अर्थ क्या है, समाजवाद की संकल्पना को अवधारित कर रहा है, समाजवाद की संकल्पना को पूर्ण करने की बात हो रही दोस्तों। क्यों, समाजवाद ये कहता है कि धन के संकेंद्रण को रोका जाएगा, इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा कि समय सब कुछ एक ही व्यक्ति के पास रह जाए और दूसरा व्यक्ति क्या है, गरीब हो जाए। इस तरह से नहीं किया जाएगा संकेंद्रण, हर व्यक्ति को बराबर का मौका दिया जाएगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र होगा मींस राजा एक परंपरागत नहीं होगा कि आज ये प्रधानमंत्री बन गए तो इनके बच्चे फिर इनके बच्चे फिर इनके बच्चे, नो, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को मौका मिलेगा। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, वह भारत के संविधान के निर्माताओं के दर्शन को परिलक्षित कर रही है, उनके दर्शन को दिखाने का प्रयास कर रही है। दूसरा जो प्रावधान है जो हमारे संविधान निर्माताओं के दर्शन को दिखाता है, वह है दोस्तों हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, ये इस बात को दर्शाते हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया था उस समय देश के संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन यदि आज वर्तमान समय की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये स्वतंत्रता छोटी बात नहीं होती बेटा, उनसे पूछिए जिन्होंने गुलामी की जिंदगी जी है, कभी गुलामी की जिंदगी का आभास करिएगा। यदि आपको 24 घंटे के लिए एक दिन कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर से केवल भोजन दे दिया जाए, वो भी जीवन जीने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है।
ये बहुत बड़े प्रावधान है, बहुत बड़ी चीजें हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दी है। समानता, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके लिए एक कानून है, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया गया है। सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, सबको दवा पाने का अधिकार है, सबको इलाज कराने का अधिकार है। तो यहां पर दोस्तों क्या है, उस व्यक्ति से पूछो इन चीजों की स्वतंत्रता जिन्होंने उन चीजों के अभाव में जिया है। दवा की कीमत एक रोगी से पूछो, रोटी की कीमत भूखे से पूछो, और स्वतंत्रता की कीमत गुलामी की जिंदगी जीने वाले से पूछो कि स्वतंत्रता क्या होती है। तो हमारे मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं दोस्तों, ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं के दर्शन को, फिलॉसफी को शो करता है, उनके स्वप्न को बताता है कि हमारे संविधान निर्माता किस तरीके के भारत का निर्माण करना चाह रहे थे। ये दर्शन दिखाता है, ये दर्शन दिखलाता है कि हमारे देश के निर्माता, हमारे देश के संविधान के नीति निर्धारक किस देश को बनाने की कल्पना किए थे। अगला है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें आप कहते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी हमारे संविधान निर्माताओं का दर्शन दिखता है। जब पढ़ेंगे एक एक चीज को तो हम बताएंगे कि जब संविधान का ये जो नीति निदेशक तत्व है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो तीन विचारधाराएं निकलकर उसमें आती हैं। हालांकि विचारधाराओं का कैटेगराइजेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो तीन तरीके की विचारधाराएं निकल के आती हैं। एक तो निकल के आती है समाजवाद की विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। मीन्स महात्मा गांधी जी ने आजादी के दौरान जिन सिद्धांतों और जिन मूल्यों पर संविधान की, सॉरी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन तत्वों को समाहित किया गया है, उन गुणों को समाहित किया गया है, वो मिलता है आपको गांधीवादी विचारधारा। और तीसरा आपका दिखता है यहां पर दोस्तों उदारवादी विचारधारा। तीन तरीके की विचारधाराएं राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो वहां पर तीन तरीके की यह विचारधाराएं आपको परिलक्षित होती दिखेंगी। ठीक है, यह हिस्सा क्या है, यह हिस्सा भी आपके संविधान निर्माताओं के दर्शन को शो कर रहा है। और एक आखिरी में है फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, हालांकि जब संविधान लागू किया गया था दोस्तों, तो उस समय इस संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, लेकिन आज के समय में भी जो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में दिए गए हैं, वह भी क्या है, एक दर्शन दिखाता है, वह भी एक स्वप्न दिखाता है। भारत के संविधान का लगभग यदि हम बात करें तो करीब 35% हिस्सा संविधान का क्या है, वह दर्शन की बात करता है, संविधान निर्माताओं के दर्शन की बात करता है। दूसरा आता है, दूसरा पार्ट आता है दोस्तों सरकार के अंग, सरकार के अंग। यदि सरकार के गठन के बारे में बात करें या सरकार के अंग के बारे में बात करें, तो तीन अंग होते हैं, विधायिका, यहां दोस्तों कार्यपालिका, और ये बात करता है हमारा न्यायपालिका। विधायिका दो आती है, विधायिका की बात करेंगे संसद, जो भारत सरकार, ये होता है राज्य विधानमंडल, मीन्स राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल। संसद में दो, लोकसभा और राज्यसभा। यहां पर राज्य विधानमंडल में भी दो, विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद,
वर्तमान में यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों, तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी तक 7 में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2019 का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया उसके द्वारा जम्मू कश्मीर से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया, फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर यदि विधायिका की बात करते हैं दोस्तों, तो विधायिका के अंतर्गत हमें क्या क्या मिलता है, संसद मिलता है, राज्य विधानमंडल मिलता है, संसद में दो आते हैं, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, और इसके सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। उसी तरीके से विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से। क्लियर है यहां पर? उसी तरीके से यदि यहां पर हम दोस्तों बात करते हैं कार्यपालिका की, यदि कार्यपालिका की बात करते हैं हम, तो यहां पर कार्यपालिका के बारे में देखिए, कार्यपालिका में एक आपको मिलेगी केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, और दूसरी मिलती है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में आते हैं हम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इतने संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को आप पढ़ेंगे। ये क्या है, ये केंद्र की कार्यपालिका के हिस्से हैं, केंद्र की कार्यपालिका इनसे चलती है, राष्ट्रपति महोदय, एक और आते हैं इसमें उपराष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका काम होता है केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना। उसी तरीके से यदि राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं दोस्तों, तो माननीय राज्यपाल महोदय, उस स्टेट का यदि राज्यपाल नहीं है तो राजप्रमुख जो भी होंगे, या उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। बिल्कुल जैसे यहां पर महान्यायवादी हमने देखा, महाधिवक्ता, उसी तरीके से यहां महाधिवक्ता क्या करता है, वह राज्य सरकार को क्या करता है, विधिक मामलों में सलाह देता है। फिर तीसरा अंग है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका यदि सर्वोच्च स्तर पर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट वर्तमान समय में 25 कार्यरत हैं दोस्तों। फिर निचली अदालतें मिलती हैं, लोअर कोर्ट जिसे आप कचहरी कहते हैं, निचली अदालतें, निचली अदालतों में कई प्रकार की मिलती हैं, सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय और कुटुंब न्यायालय, कुटुंब न्यायालय। ये यदि न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से प्रारंभ होता है, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में सेशन न्यायालय होता है। सेशन न्यायालय क्या कहलाता है दोस्तों, सेशन न्यायालय कहलाता है जहां पर आपराधिक मामले, कोई अपराध किया जाता है और आपराधिक मामला विचाराधीन होता है, चलाया जाता है, उसे कहते हैं सेशन न्यायालय। दीवानी जो जर्जमीन से, जमीन से संबंधित मुकदमे होते हैं वो दीवानी अदालतें। फास्ट ट्रैक मीन्स त्वरित निपटारे के लिए,
रेप जैसे मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए सरकारें क्या करती हैं, फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन करती हैं। विशेष न्यायालय क्या होते हैं, किसी विशेष पर्टिकुलर पर्पज के लिए, एससी एसटी के लिए विशेष न्यायालय, मीन्स अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ जो अपराध होते हैं उन अपराधों में त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय, और पारिवारिक जो मुकदमे होते हैं, घर परिवार के द्वारा जो मुकदमे उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है, कुटुंब न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय में उनके मुकदमे चलाए जाते हैं। यदि इन दो चीजों की बात करें दोस्तों, हम दर्शन और सरकार के अंग या सरकार के गठन, तो करीब 85% हिस्सा हमारे संविधान का ये दो चीजें कवर करती हैं। बाकी के जो 15% बचता है उसमें तमाम चीजें मिलेंगी आपको, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, मिसलेनियस में ये चीजें आएंगी यहां पारी, वित्त आयोग, या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हों, संवैधानिक अन्य संस्थाएं, वो सब क्या आती है, इनके अंतर्गत, मिसलेनियस के अंतर्गत आती है। आज हमने देखा संविधान का एक परिचय, ढांचा, फ्रेमवर्क देखा कि संविधान क्या है और राज व्यवस्था क्या है। हमने प्रारंभ में देखा संविधान क्या है, सिद्धांतों और आदर्शों का समुच्चय है, और राज्य व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग। सिद्धांत क्या है, संविधान क्या है, सिद्धांत है, यदि एक लाइन में समझिए आप यहां पर, तो संविधान हमारा क्या है दोस्तों, संविधान सिद्धांत है, और राज्य व्यवस्था प्रयोग है, अनुप्रयोग, राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है। मीन्स हमने आपको यहां पर एक सिद्धांत दे दिया, H2O क्या है, जल है, H2O क्या है, जल है, लेकिन इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको प्रयोग द्वारा साबित करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। उसी तरीके से सिद्धांत संविधान में क्या है दोस्तों, संविधान में हमने सिद्धांत बता दिए हैं, नियम बता दिए हैं, कायदे कानून बता दिए हैं, और उन कायदे कानूनों का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही हमारी राज्य व्यवस्था कहलाती है। मींस कैसे हमारा सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम रहेगा, किस तरीके से वह चलेगा, रन करेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। उसके पहले जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दिला देना चाहते हैं कि यहां पर आपके सामने बोर्ड पर यह नंबर लिखा हुआ, व्हाट्सएप नंबर लिखा है हमारे संस्थान का, 9125423936, इस पर आपको एंट्री सुपर टेट लिखकर भेजना है, और उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।